चांदपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान लूट की गई बाइकों सहित चार बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक बदमाश भागने में कामयाब हो गया। चारों बदमाश अमरोहा व संभल जिले के रहने वाले हैं, जो जनपद बिजनौर में आकर वारदात को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस चारों अभियुक्तों को जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। आपको बता दें कि बिजनौर SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह के आदेश अनुसार जनपद में अपराध की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत आज चांदपुर पुलिस ने चांदपुर कस्बे के पास मंडी समिति में चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि इनका एक अन्य साथी भागने में पुलिस को चकमा देकर कामयाब हो गया। SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए बताया कि चारों अभियुक्त गैर जनपद के हैं, जो बिजनौर जिले में आकर बड़ी घटना को अंजाम देते थे। चारों अभियुक्तों के पास से 9 बाइकें बरामद हुई हैं, जिनमें से कुछ बाइकें लूटी गई हैं। SP ने बताया कि चारों अभियुक्त पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि पुलिस बल को 25,000 रुपये का इनाम भी दिया गया है। 24 न्यूज इन इंडिया वेब पोर्टल चैनल के लिए बिजनौर से शौकीन अहमद की रिपोर्ट। आज तड़के चांदपुर पुलिस एवं बदमाशों में चांदपुर कस्बे के पास मंडी समिति के पास में एक पुलिस मुठभेड़ हुआ, जिसमें चार वाहन चोर लुटेरे पकड़े गए। एक अभियुक्त भागने में सफल रहा। चारों के कब्जे से 9 बाइक बरामद हुआ है, जिसमें से चार बाइक कनेक्ट हुई हैं, जो लूट एवं चोरी की है। ये चारों लुटेरे जनपद अमरोहा और संभल के रहने वाले हैं। इनके द्वारा अनेक वारदातों को अंजाम दिया गया है। PCR पर लेकर के इनसे पुनः गहन पूछताछ किया जाएगा। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई और इनके गैंग की सूचीबद्ध यानी पंजीकरण कराया जाएगा। पुलिस टीम को इसके लिए 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है।